हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यखनी पुलाव, बकरी स्पेशल डिश, जिसके लिए हमने ये 2 किलो गोश्त ले लिया है। आधा किलो प्याज ले ली है, इसे हमने कट कर लिया है। आधा किलो आलू ले लिए हैं, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, 1/2 कप दही, 1/2 हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बना लिया है, जिसमें हमने 100 ग्राम हरी मिर्च का यूज़ किया है, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है, शाही बिरयानी मसाला ले लिया है। गरम मसालों में हमने तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची, फूल, ज़ीरा और शाह ज़ीरा ले लिया है और नमक एज़ पर टेस्ट। और ये जो गरम मसाला है स्टॉक का, उसमें लाल मिर्च, फूल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पत्ता ले लिया है और सौंफ और अखा धनिया ले लिया है। तो सबसे पहले हम अखे धनिए का पोटली बना लेंगे, जिसके लिए हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। उसमें हम अखा धनिया और सौंफ डालकर उसको अच्छे से बांध लेंगे। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उसमें चेक कर लें। इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। ये हमने 2 किलो चावल ले लिए हैं, जिसमें हमने ज़ीरा राइस का यूज़ किया है। अब हम इसका स्टॉक बना लेंगे यखनी का, जिसमें हम सारे गरम मसाले, पोटली और एक अदरक और एक लहसुन की कली डाल देंगे और नमक डाल देंगे और उसका स्टॉक बना लेंगे। मतलब हम इसमें पानी डालकर लगभग 5 से 6 सीटी देकर इस तरह से हम उसे उबाल लेंगे। अब एक तपेली में हम 7 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। अब हम उसमें कटी हुई प्याज डाल लेंगे और उसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। कटे हुए आलू डाल लेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से थोड़ा तेल में फ्राई भी हो जाए। हमने इसे भून लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिए का भी पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। फ्लेम को हमने फास्ट ही रखा हुआ है। देखिए, हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें लगभग थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जो मसाले का बचा हुआ था।
और उसे भी मिक्स करके हम भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल लेंगे, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी चीज़ डालें तो हम उसे अच्छे से भून लें ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए और उसमें सब मिक्स भी हो जाए। ये देखिए हमारा स्टॉक जो है ये हो चुका है। अब इसमें से हम जो ये अखा धनिया और सौंफ की पोटली थी उसे निकाल लेंगे। अब इसमें का जो गोश्त है उसको हम मसालों में डाल लेंगे। इसमें हमने सिर्फ गोश्त ही डाला हुआ है, उसमें का जो गरम मसाला है स्टॉक का वो नहीं हम यूज़ करेंगे, सिर्फ हमने गोश्त को ले लिया है। अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे हमने भून लिया है, अब हम इसमें दही डाल लेंगे। और नमक भी डाल लेंगे। चावलों के हिसाब से आप उसमें नमक डाल लें और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। हमने इसे भून लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें जो बिरयानी मसाला था वो लगभग 3 बड़े चम्मच डाल लेंगे। 3 बड़े चम्मच हमने इसमें डाला है ये मसाला। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे भून लिया है लगभग फिर से 2 मिनट। अब हम इसमें चावलों को डाल लेंगे धुले हुए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और लगभग 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे ताकि जो चावल जो हमारे पकेंगे वो खिले खिले पकेंगे अगर हम इसे भून लेंगे तो इस तरह से। और इसमें सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये थोड़ा सा भून भी जाएगा जिससे हमारे चावल एकदम खिले खिले खिलेंगे। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया और भून लिया। अब हम इसमें जो अखनी का स्टॉक है वो डाल लेंगे। सिर्फ हमने पानी का स्टॉक का यूज़ किया है, उसमें जो गरम मसाले थे वो नहीं डाला है क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है सब पूरा आ चुका है। अब हम चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जो हम पानी का यूज़ करेंगे वो गर्म पानी होगा ताकि जो चावल है जल्दी से उबल जाए। ये हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं चावलों के हिसाब से। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो वो अखनी के स्टॉक में ही पक जाएगा। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे ढक्कन ढाक कर उबलने देंगे। ये देखिए हमने इसे पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसे पकने देंगे। मिक्स करके आप इसे स्लो करके दम करने रख दें। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पर इस पे भुने हुए कांदे यानी प्याज डाल लिया है और हरा धनिया डाल लिया। और कलर का हम यूज़ करेंगे, ये हम ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहे हैं जिसे हमने थोड़े से पानी में मिलाकर घोल कर यूज़ कर लिया है। एक पिंच का हमने पाउडर यूज़ किया है कलर का। अब हम इसे फिर से ढककर लगभग 10 मिनट तक दम होने देंगे। ये देखिए हमारे 10 मिनट तक हमने इसे दम कर लिया है और हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। देखिए किस तरह से खिला खिला बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें और इस डिश को शेयर भी करें। आई होप आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। थैंक यू।